नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो न्यूज एट फाइव की शुरुआत उत्तराखंड की खबर से, जहां विधानसभा के लिए होने वाले फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के बागी विधायक हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी कांग्रेस के 9 बागी विधायक वोटिंग के लिए अयोग्य करार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरीश रावत ने राहत की सांस ली है। उत्तराखंड विधानसभा में कल शक्ति परीक्षण होना है। असीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, उत्तराखंड में कल शक्ति परीक्षण होना, और उससे ठीक पहले जो 9 डिस्क्वालीफाइड MLA हैं कांग्रेस के, उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वहाँ से उनको किसी भी तरह की राहत जो है वो नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी रीज़न से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया तो आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दायर की, एक अर्जेंट मैंशनिंग की कि कल फ्लोर टेस्ट होना, उससे पहले हमारा डिसाइड कीजिए कि क्या हम वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला उसको बरकरार रखा, तो ये एक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत है उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी कि उनको कल फ्लोर टेस्ट पास करना, अगर ये बागी विधायक जो है और रिबेल विधायक अगर हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो उनको थोड़ा सा आसान हो सकता है उनके लिए शक्ति परीक्षण को पार करना। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो नए स्ट्रिंग से मुश्किल में थे हरीश रावत, खरीद फरोख्त का आरोप था, लेकिन अब इस फैसले से कहीं ना कहीं हरीश रावत ने राहत की सांस जरूर ली है। तो चलिए अब एक रिपोर्ट देखिए इस उत्तराखंड के सियासी घमासान पर। उत्तराखंड में बीते कई हफ्तों से चल रहे सियासी संकट का क्लाइमेक्स करीब है। कल ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पास बहुमत है या नहीं। लेकिन फ्लोर टेस्ट से एन पहले नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से हरीश रावत को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया है, यानी ये विधायक फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आज भी न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होगा और कल भी हमको न्याय मिलेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विधानसभा के पटल से भी हमको न्याय मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि विधानसभा भंग हो, क्योंकि बहुत, अगर हम 9 लोग सदस्य नहीं रह गए तो 62 की स्ट्रेंथ है, बीजेपी 28 और कांग्रेस 27 है, तो 2-3-4 वोट के मार्जिन पे कोई सरकार कैसे स्थायी सरकार चलेगी। उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख से जुड़े नए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर भी हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मेरा और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ब्रेन मैपिंग करवा लिया जाए, सारा मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ के विधायकों से संपर्क किया है और नाना तरीके से उनके नेताओं ने, बल्कि एकाध ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड का भी साथ लेकर के विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश की है, यदि वो सब लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं तो हरीश रावत अपने को फर्स्ट नार्को टेस्ट वॉलंटियर के तौर पर पेश करता है। फ्लोर टेस्ट से पहले शाम 4 बजे से देहरादून में धारा 144 लागू कर दिया जाएगा और कल उत्तराखंड विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर भी बैन रहेगा। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच सारा का सारा दारोमदार उन 6 विधायकों पर टिका है जो बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है, क्योंकि इन्हीं के रुख से तय होगा कि उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार की वापसी होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईटी कंपनी और कॉल सेंटर को डीजल टैक्सी बैन से राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि कब तक वो डीजल टैक्सेस को CNG में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कोर्ट इस मामले में कल फैसला सुनाएगा। दिल्ली NCR में आईटी और कॉल सेंटर में 14,000 डीजल कारें लगी हुई हैं। इससे पहले पिछली सरकार ने कहा कि डीजल टैक्सेस पर बैन से दिल्ली NCR के खिलाफ केंद्र में सरकार ने BPO इंडस्ट्री पर खराब असर पड़ रहा है। ऐसे में BPO देश छोड़कर जा सकते हैं, जिससे इकोनॉमी पर भी इसका असर होगा। छोटी गाड़ियों पर पर्यावरण सेस लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाड़ी के इंजन कैपेसिटी और कीमत के हिसाब से पर्यावरण सेस लगा सकती है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से ऑटो कंपनीज को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 CC से ऊपर की डीजल गाड़ियों पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। और असीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, छोटी डीजल गाड़ियों पर भी पर्यावरण सेस लगाने की बात कही जा रही है।
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो भी आदमी डीजल टैक्सी जो है वो खरीदता है उसको डीजल गाड़ी जो है वो खरीदता है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो एक पॉल्यूशन करने वाली जो व्हीकल है वो खरीद रहा है, तो उसके ऊपर हम सेस लगाने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन ये सेस क्या होगा, ये उसकी गाड़ी की कैपेसिटी के ऊपर लगेगा या गाड़ी के प्राइस के ऊपर लगेगा, इस पर जो है राय मांगी गई है। इस पर जो पेटिशनर है, जो अमिकस क्यूरी है हरीश सालवे, उनकी राय जो है मांगी गई है, तो कल उनकी राय जो है वो दी जाएगी, उनकी तरफ से राय जो दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले की सुनवाई हम जुलाई से पहले जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक डीजल टैक्सियों की बात करें, जिससे कि नेस्कॉम का ये कहना था कि करीबन $1 बिलियन के आसपास का कारोबार जो है उनका इंपैक्ट पड़ेगा, उन्होंने मांग की थी कि उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि वो डीजल टैक्सियों को फेज आउट किया जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जो है दोबारा सुनवाई करेगा और हो सकता है कल जो दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियां चलती है खासतौर पर जो बीपीओ इंडस्ट्री के लिए चलती है उनको राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आसिम इस बातचीत के लिए आपका। तो उधर अप्रैल महीने में गाड़ियों की बिक्री टॉप गियर में रही है और अप्रैल में ऑटो सेक्टर की कुल बिक्री में 20.04% का इजाफा हुआ। इस दौरान कारों की घरेलू बिक्री 1.87% बढ़कर 1,62,566 यूनिट्स रही। इस दौरान मोटरसाइकिल की बिक्री 16.24% बढ़ी, जबकि कुल दोपहिया वाहनों की जो बिक्री है उसमें 21.23% का इजाफा हुआ। अप्रैल में कमर्शियल वाहनों की बिक्री 17.36% बढ़ी है। तो सरकार के भ्रष्टाचार पर कदम लगाने की कोशिशों का असर दिखने लगा। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में क्रोनी वेल्थ में भारी कमी आई है। 2016 में घटकर जीडीपी का सिर्फ 3% रह गई, जबकि 2008 में रेशो 18% था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार के भ्रष्टाचार पर कड़े कदम और आरबीआई के बड़ी मछलियों पर नकेल कसने की वजह से इस पर लगाम लगी। क्रोनी वेल्थ का मतलब सरकार से खुद के लिए फायदा लेकर संपत्ति बनना है, और इस लिस्ट में भारत 9वें पायदान पर है, जबकि जर्मनी इस लिस्ट में सबसे ऊपर। तो वहीं रूस की हालात सबसे ज्यादा खराब है, जो कि जीडीपी के 18% है। पूरी दुनिया में क्रोनी वेल्थ में कमी आई है, हालांकि इससे पीछे सबसे बड़ी वजह माइन, स्टील, ऑयल फील्ड और रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आना है। तो क्रोनी वेल्थ क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। फायदा लेकर बड़ी संपत्ति खड़ी की जाती है और बिजनेस पर गिने चुने लोगों का एक अधिकार होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक क्रोनी वेल्थ में भारी कमी आई है। तो बात करते हैं पनामा लीक्स की। आज पनामा पेपर्स के बारे में ऑनलाइन बड़ा खुलासा हो सकता है। पनामा पेपर्स पर खुलासा करने वाले इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी कि आईसीआईजे आज शाम www.icij.org पर पनामा पेपर्स से जुड़ी जानकारी डालने जा रहा है। वेबसाइट पर कोई भी इन दस्तावेजों को पढ़ सकेगा और आईसीआईजे का कहना है कि इन दस्तावेजों में सिर्फ डेटा नहीं होगा। इन दस्तावेजों में 2,00,000 विदेशी कंपनी से जुड़े बड़े नाम और अन्य जानकारी का खुलासा भी होगा। ये दस्तावेज साल भर पहले जर्मन अखबार को दिए 2.6 टेराबाइट्स डेटा में से जारी होंगे। सरकार राज्यों की कायापलट करने के लिए तेजी से काम कर रही है। नीति आयोग मॉडल बिजनेस स्टेट डेवलप करने के लिए एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत राज्यों को उनके एक्सपर्टाइज और कंडीशन के आधार पर डेवलप करने की योजना है। करीब 12 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मॉडल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जा सकता है। देश में कारोबारी माहौल सुधारने और मॉडल बिजनेस स्टेट डेवलप करने के लिए नीति आयोग एक नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत राज्यों को उनके एक्सपर्टाइज और कंडीशन के आधार पर डेवलप करने की योजना है। नीति आयोग के मुताबिक 12 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित किया जा सकता है। Every state need not be a manufacturing state. I mean, my parent cadre is Kerala. I worked there for many years. Why should Kerala become? Imagine there are cement factories on the backwaters of Kerala. You will ruin Kerala from being a sustainable state. You need states to find out what is their core competency and to excel in that core competency. But there are 12 states which can definitely become great manufacturing champions for India. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे बड़े राज्यों के अलावा कई छोटे राज्यों को भी मैन्युफैक्चरिंग राज्य के तौर पर डेवलप किया जाएगा।
इतना ही नहीं, राजस्थान को मॉडल लॉजिस्टिक राज्य, पंजाब को मॉडल एग्रीकल्चर राज्य, मध्य प्रदेश को एग्री लॉजिस्टिक राज्य के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। नीति आयोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है ताकि ऐसे राज्यों की भी पहचान की जा सके जहां वहां की कंडीशन से अलग बिजनेस मॉडल चल रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी स्टेट्स हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरी स्टेट्स के लिए भी अच्छी रहेंगी, उनको भी अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करने में सुविधा मिलेगी। और दूसरा, जो स्पेशलाइज स्टेट्स हैं जिनके पास वो ऑलरेडी एक ऐसा तजुर्बा है उस सेक्टर में प्रफुल्लित होने का, वो अपने उसी चीज में आगे प्रोग्रेस कर सकती हैं। जानकारों के मुताबिक मौजूदा हालात में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए राज्यों की इंडिविजुअल क्षमता की पहचान बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक क्षमता और चुनौतियों के मद्देनजर राज्यों से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग एक ऐसे एक्सपर्ट पैनल के गठन पर भी विचार कर रहा है जो राज्यों को कभी भी पॉलिसी बनाने में मदद करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक्सपर्टाइज के हिसाब से मॉडल बिजनेस स्टेट डेवलप करने की योजना में राज्य कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली।